वो सुहैब इलियासी जो कभी अपराध की कहानियां सुनाया करता था, अब खुद अपराधी बन चुका है और कुछ ही देर में अदालत उसे सजा सुनाएगी। ऐसे में पूरे देश की निगाहें इस ओर लगी हुई है, आखिर सुहैब इलियासी को क्या सजा मिलती है। पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया गया था सुहैब इलियासी को, साल 2000 का यह मामला। आपको बता दें, क्राइम शो इंडिया मोस्ट वॉन्टेड से बहुत ही मशहूर हुआ था सुहैब इलियासी। उस जमाने में बहुत ही मशहूर यह शो हुआ करता था, जिसका यह एंकर था सुहैब इलियासी। पत्नी की हत्या का दोषी इसे करार दिया जा चुका है और उसे क्या सजा मिलेगी इस मामले में, इसका ऐलान बस थोड़ी देर में होना है। और इस वक्त हमारे साथ मनोज वर्मा एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास, कब तक सजा का ऐलान हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सुहैब इलियासी को दोबारा से अब यहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर लाया गया है और 5 से 7 मिनट के अंदर कभी भी कोर्ट का फैसला आ सकता है। 2014 में ही कोर्ट ने ये कह दिया था, हाई कोर्ट ने, कि सुहैब इलियासी के ऊपर मर्डर का मुकदमा चलाया जाए। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में 16 तारीख को जो कलकत्ता कोर्ट है उसने सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था और अब से 5 से 7 मिनट के अंदर कोर्ट का फैसला आने वाला है। जी मनोज, सजा पर जो बहस हुई है, क्या बातें वहां से निकलकर सामने आ रही है, क्या सजा मिल सकती है सुहैब को? जी बिल्कुल, देखिए सजा पर जो बहस हुई है, जो शोएब की तरफ से वकील है उनका साफ तौर पर ये कहना था कि इनको जो है फांसी की सजा ना दी जाए, क्योंकि शोएब के ऊपर कोई और मामला नहीं है और ना ही कोई ये बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल है, तो फांसी की सजा ना दी जाए। इसके अलावा जो सरकारी वकील है उनका ये कहना था कि इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की, सबूतों को मिटाया और उसको सुसाइड करार दिया था, तो अभी इंतजार करना होगा कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला देती है। चलिए मनोज, इस खबर पर नजर बनाकर रखें, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। और अपने सहयोगियों को अब दर्शकों को जरा ये बताते हैं कि ये पूरी कहानी थी क्या सुहैब और अंजू की, अंजू सुहैब की पत्नी। रोमाना के पास आपको लिए चलते हैं, वो बताएंगे ये पूरा मामला क्या था। रोमाना, तो पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार दे दिया गया है सुहैब इलियासी को और आपको बता दें सजा पर फैसला किसी भी पल आ सकता है। क्राइम शो का ये कातिल एंकर, पहला टीवी क्राइम शो था इंडियाज मोस्ट वांटेड, इसी इंडियाज मोस्ट वांटेड क्राइम शो से मशहूर हुआ सुहैब इलियासी। क्राइम शो का एंकर था सुहैब इलियासी और उसने घर घर में अपनी पहचान बनाई। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली की, जहां पढ़ते हुए सुहैब और अंजू दोनों में प्यार हो गया था और फिर ये प्यार दोनों का रिश्ते में बदला, दोनों ने शादी कर ली। जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे दोनों, सुहेल और अंजू। सुहेल और अंजू की ये कहानी, जिसकी शुरुआत मोहब्बत से हुई थी लेकिन अंत हुआ एक कत्ल से, अंजू का कत्ल जो सुहैब की पत्नी थी। और अब सुहैब इलियासी को 16 दिसंबर को अपनी ही पत्नी अंजू इलियासी के कत्ल का दोषी करार दे दिया गया है। सजा पर फैसला किसी भी पल आ सकता है। 11 जनवरी 2000 में अंजू की संदिग्ध मौत हुई थी और देखिए जब मौत हुई उसके बाद पति की तरफ से इस पूरे मामले को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी। इलियासी ने अंजू की खुदकुशी का दावा किया था और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुहैब इलियासी पर सजा का ऐलान हो गया है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है सुहैब इलियासी को। पत्नी की हत्या का दोषी सुहैब इलियासी, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की कड़कड़डूबा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, हालांकि सरकारी वकील की तरफ से सुहैब इलियासी के लिए फांसी की सजा की मांग की गई थी। पत्नी की हत्या का दोषी है सुहैब इलियासी, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सीधे रुख करते हैं बीपी न्यूज संवाददाता अंकित, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, उम्र कैद की सजा सुहैब इलियासी को? जी बिल्कुल, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उसके साथ ही जो 10 लाख रुपए का खजाना देने को कहा गया है। हालांकि जो सरकारी पक्ष के वकील थे और जो अंजू इलियासी के परिवार के जो वकील थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हत्या की गई है इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक पत्नी का विश्वास तोड़ा है। उसके साथ ही में जिस तरीके से ये क्राइम शो बनाते थे, वहां पर जो है लोगों को एक भरोसा दिलवाया था कि ये अपराध के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इन्होंने तो खुद ही एक संगीन अपराध किया है और ऐसे में समाज के साथ ये कहना था कि ये मामला एक का मामला है जिसे आईपीसी की धारा 302 के तहत जो कि दोषी करार दिया गया है, लिहाजा इसमें सिर्फ जो है फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद की ही सजा होनी चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अपने फैसले में ये कहा है कि इनको, यानी कि शोएब इलियासी को जो दोषी जो पहले ही करार दिया गया था, अब सुनाई जा रही है उम्र कैद की सजा।
इस वक्त की बड़ी खबर, अंकित गुप्ता बता रहे हैं, सुहेब इलियासी को उम्र कैद की सजा का ऐलान अदालत की तरफ से कर दिया गया है। क्राइम शो के एंकर को उम्र कैद की सजा। 2000 में पत्नी की हत्या की थी, 16 दिसंबर को ही इस 17 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया सुहेब इलियासी को, और अब अदालत ने उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है सुहेब इलियासी के लिए। क्राइम शो के एंकर को उम्र कैद की सजा। हमारे साथ अंकित लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अंकित, 17 साल लग गए इस मामले को नतीजे तक पहुंचने में, इंसाफ मिलने में अंजू के परिवार वालों को। जी बिल्कुल, एक लंबा वक्त गुजर गया है और इसकी वजह क्या रही है वो आपको तफसील से बताना चाहूंगा। साल 2001 में हत्या हुई थी और उसके बाद में जो पुलिस ने मामला दर्ज किया था वो हत्या का मामला नहीं दर्ज किया था बल्कि दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया था, और उसके साथ ही में दहेज प्रताड़ना के चलते खुदकुशी करने का मामला दर्ज किया था, क्योंकि शोएब इलियासी ने पुलिस के सामने यही कहा था कि अंजू ने खुदकुशी कर ली है। इसके बाद में जब आरोप तय हुए 2003 में तो अदालत ने उन्हीं धाराओं के तहत आरोप भी तय किए, यानी कि हत्या के मामले में आरोप नहीं तय किए। इसके बाद में परिवार ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई और हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले में हत्या की धारा जोड़ी जाए, और उसके बाद में इसमें जब हत्या की धारा जोड़ी गई है उस मामले में फिर से एक तरीके से जिरह हुई है, नए सबूत जुटाए गए और उसके बाद में अब आया है अदालत का ये फैसला। ये बड़ा इस मामले के अंदर आपको बता दें कि अहम पहलू है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले की शुरुआत हुई, सुहेब इलियासी उन्होंने इस पूरे मामले को ढकने की कोशिश की। जब पत्नी की मौत हुई उसके बाद उसे खुदकुशी करार देने की कोशिश सुहेब इलियासी की तरफ से की गई, लेकिन अंजू के परिवार वाले जो लगातार अंजू के लिए इंसाफ की इस लड़ाई को लड़ते रहे, और देखिए 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुहेब इलियासी 16 दिसंबर को जिसे दोषी करार दिया गया, आज अदालत ने सजा का फैसला सुना दिया है, उम्र कैद की सजा सुहेब इलियासी को। अंकित गुप्ता, गुमराह करने की इस पूरे मामले में एक बड़ी कोशिश भी हमने देखी सुहेब इलियासी की तरफ से कि पत्नी की हत्या को पहले खुदकुशी का रंग दिया गया। अंकित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है जी। अंकित, किस तरीके से इस मामले को हत्या का मामला था लेकिन खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई? जी, शोएब इलियासी जब पुलिस के सामने पहुंचा तो उसने कहा कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है, बाथरूम में वो गंभीर हालत में थी और उसके बाद में वो अस्पताल लेकर के गया। इस बीच में शोएब इलियासी ने अपनी एक दोस्त को फोन किया और कहा कि उसकी पत्नी अंजू ने खुदकुशी की कोशिश की है, अस्पताल पहुंचती है अंजू तो फिर वहां पर वो दम तोड़ देती है, उसका बयान दर्ज नहीं हो पाता है। उसके बाद में शोएब पुलिस को यही बताता है कि उन दोनों के बीच में नोकझोंक हुई थी, जैसा कि एक पति पत्नी के बीच में होती है, और उसके बाद में अंजू ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद में परिवार ने आरोप लगाया कि दहेज प्रताड़ना का मामला लगातार तो बन ही रहा था और शोएब लगातार अंजू को परेशान करता था, मारपीट करता था। लेकिन जो पुलिस ने शुरुआती जो तथ्य को देखते हुए इस मामले में शोएब के खिलाफ सिर्फ दहेज प्रताड़ना की धारा के तहत ही मामला दर्ज किया, उसके साथ ही में आईपीसी की धारा 304B का भी उसमें जोड़ा, और वो ये कहती है कि हत्या नहीं की बल्कि हत्या के लिए ऐसे हालात पैदा किए कि उसने हत्या कर ली। इन धाराओं के तहत मामले की सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद में साल 2003 में आरोप जो पूरी तरीके से सुहेब इलियासी के खिलाफ इस मामले में गए और सुहेब इलियासी की एक तरीके से ये पोल खुली, इस मामले में दोषी करार दिया गया आखिरकार सुहेब इलियासी को, और आज तो सजा सुना दी गई है, उम्र कैद की सजा। अंकित जी बिल्कुल, इस मामले में जो सबसे बड़े जो सबूत थे अगर हम उन पर बात करते हैं, सबसे पहली चीज, शोएब इलियासी ने पुलिस के सामने कहा कि अंजू ने खुदकुशी कर ली थी, वो सामने खड़ा हुआ था, तो सवाल ये था कि अंजू के शरीर पर 2 बार जो है चाकू से मारने के निशान थे। सवाल यही है कि यहाँ पर जब इस मामले में बहस शुरू हुई अदालत में तो ये कहा गया कि अगर कोई खुदकुशी करता भी है तो 2 बार खुद पर हमला नहीं कर सकता, अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा भी तो 1 बार हमला करेगा, क्योंकि उसकी हालत उसके बाद खराब हो जाती है और ऐसी हालत नहीं होती है कि कोई खुदकुशी करने वाला खुद के ऊपर ही 2 बार हमले करे। ये एक चीज थी जो कि शोएब इलियासी ने जो बयान दिया था कि वो सामने खड़ा था, उसने अपने आप जो है हमला किया और उसके बाद में उसकी मौत हुई। तो यहाँ पर शोएब इलियासी कह रहा था कि वो उसके सामने उसने खुदकुशी की कोशिश की लेकिन शरीर पर 2 बार जख्म के निशान थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर शोएब इलियासी के खिलाफ एक और तथ्य जो उसके खिलाफ गया वो ये था, वो कह रहा था कि मैं वहीं पर मौजूद था। सवाल ये था कि शोएब इलियासी के सामने ही अगर अंजू खुदकुशी कर रही है, 5 से 7 मीटर की दूरी है, तो वो 2 बार हमला करने में जो सफल हुई और शोएब इलियासी खड़ा देखता रहा, तो ये चीज उसके खिलाफ गई। इसके साथ ही में शोएब इलियासी ने कहा कि अपने ऊपर हमला करने से पहले अंजू ने पिस्टल से खुद के ऊपर जो है शूट करने की कोशिश की थी, तो उसने पिस्टल छीनी और उसकी गोलियां निकाल दी। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू की तो पाया
कि पिस्टल तो वहां थी ही नहीं, पिस्टल तो अलमारी में रखी हुई थी। तो यहां पर ये एक तथ्य था जो शोएब इलियासी के खिलाफ गया। तो इस तरीके से कई सारे तथ्य जो कि शोएब इलियासी ने शुरुआत में जो पुलिस के सामने ये बताने के लिए रखे थे कि वो बेगुनाह है, उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है, बाद में यही सारे तथ्य शोएब इलियासी के खिलाफ गए। लेकिन यहां पर यह बताना जरूरी है कि शुरुआत में पुलिस की जो जांच थी वो सिर्फ एक दहेज प्रताड़ना के मामले तक ही सीमित थी, वहां पर इस बात का जिक्र नहीं था कि हत्या हुई है। 2003 में आरोप तय हुए, वहां पर भी आरोप यह हत्या की धारा के तहत नहीं तय हुए। लेकिन उसके बाद में अंजू के परिवार ने कोर्ट में अर्जी लगाई, कहा कि ये मामला दहेज प्रताड़ना के बाद में खुदकुशी का नहीं है बल्कि हत्या पास का लौटूंगा। आपने तफसील से ये पूरी कहानी हमारे दर्शकों को बताई, तो बहुत ही शातिराना ढंग से इस पूरे मामले को सुहैब ने खुदकुशी का रंग देने का प्रयास किया था, लेकिन इसका गुनाह दुनिया के सामने आ चुका है। और अब देखिए, मिल चुकी है उम्र कैद की सजा सुहैब इलियासी को। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।